नमस्कार दोस्तों, ये गाड़ी बुलेरो है, 3 सिलेंडर न्यू मॉडल। तो आज अपन इसकी टाइमिंग देखेंगे और बिल्कुल कम समय में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये इसकी टाइमिंग है जो कंप्लीट कर दी हमने, मिला दी है। बाकी आपको एक बार दिखाते हैं कि इसको कैसे मिलाते हैं। तो ये जो चाबी है, ये चाबी इसके सीध में आना चाहिए। हल्का सा और घुमा, बस बस बस। और इसके लेफ्ट साइड में ये एक बोल्ट होता है, यहाँ से इसकी टाइमिंग मिलती है। तो इसमें जो सेंटर है, इधर कर दो, एक मिनट, बस बस बस, आगे आगे छोड़ दो। ये होल है, इसमें ये जो मक्खी है ये बिल्कुल इसके सीध में आ गई। ये थोड़ा खराब हो गया, ये इसको सीध में लेना है इस तरह से। ये हो गई क्रेन की टाइमिंग। ये चाबी दिख रही है आपको, बिल्कुल जो क्रेन सेंसर होता है उसके थोड़ी सी नीचे, इसके थोड़ी सी ऊपर, इन दोनों के बीच में आती है। और ये जो केम की पोजीशन है, इसको दिखा दें पीछे से। तो ये जो कट के निशान है, खड़े होने चाहिए दोनों में, ये दोनों में खड़े हैं। और ये जो छोटा हिस्सा अंदर है, दोनों के छोटे हिस्से अंदर है, इसमें ये जो ये बड़ा कट है इसमें, और ये छोटा कट, तो ये छोटे कट से मिलाना है आपको, इसमें भी छोटा कट। तो ये इसकी टाइमिंग है। और दूसरा एक और तरीका है, जो कि ये केम, ये जो छोटे कट इस तरफ आएंगे और ये जो केम है इसका कट इस तरफ आ जाएगा। तो एक राउंड जब इंजन घुमाएंगे तो कट जो है दोनों अपोजिट साइड चले जाएंगे। घुमा इंजन, घुमा एक बार फिर से, पूरा राउंड मारते हैं इसका, सीधा सीधा सीधा। घुमा दो पूरा, बस 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 बस, ज्यादा करके इधर देख लेता हूँ, हल्का से इधर आंदे नीचे, बस 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 बस। तो ये आ गया। अब ये सेकंड राउंड में ये इसकी टाइमिंग है। ये जो कट, छोटा जो कट है ये बाहर की तरफ हो गया दोनों में, इसमें भी ये जो छोटा कट है ये बाहर हो गया। तो दोनों तरीके से मिला सकते हो, तरीका सेम है। ये है बुलेरो की टाइमिंग, और इस तरह से मिलाना है आपको। इसमें पिस्टन जो है लास्ट वाला टॉप पे रहता है, मतलब TDC पे नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डाउन है, लेकिन टॉप पोजीशन पे आने की पोजीशन पे है ये। तो ये टाइमिंग है बुलेरो की, 3 सिलेंडर इंजन की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।